हमारे स्कैल्प पे कोई भी बॉल्ड पैच हो जाए तो हम उसे तो इधर उधर के बाल लेकर फिक्स कर लेते हैं, बट व्हाट इफ हमारी हेयर लाइन ही उड़ जाए, ये जो फ्रंट साइड पे बाल होते हैं अगर ये उड़ गए तो इसे आप कैसे फिक्स करिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिसीडिंग हेयर लाइन के बारे में, किस वजह से होती है, कैसे फिक्स करना है, everything about receding hairline। तो अगर आपको receding hairline का problem है तो video को end तक ज़रूर देखें, अपने लिए remedy prepare करिए and जो जो चीज़ें मैं मना करूँगी and बताऊँगी उससे आप अपना receding hairline को improve कर सकते हैं। Hi everybody, welcome to the channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसीडिंग हेयरलाइन के बारे में। You won't believe me कि 20 से 25 के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिसीडिंग हेयरलाइन देखा गया है। अब आप सोचिए, अगर आपके 20 और 25 की एज में ही आगे के सारे बाल उड़ गए तो 30s में क्या होगा, आप तो पूरे गंजे हो जाएंगे। तो वैसा तो आप डेफिनेटली नहीं चाहते होंगे ना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्टली आई टेल यू कि जो हमारा रिसीडिंग हेयरलाइन है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर फॉल होता है, जो हम हेयर फॉल हो रहा है और हेयर लॉस जो हमें फ्यूचर में होने वाला है रिसीडिंग हेयरलाइन उसका फर्स्ट स्टेज है। दैट मीन्स अगर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन है दैट मीन्स कि आप फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर फॉल के हैं, तो उसको जल्दी टाइमली अगर आप पकड़ लेंगे उसके लिए चीज़ें करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंड आप अपने 40s 50s तक अपने अच्छे बाल रख सकते हैं। सो बिफोर टेलिंग यू द रेमेडी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इसके रीजंस क्या क्या है। फर्स्टली तो इट कुड बी जेनेटिक, लाइक अगर आपके फादर को अर्ली 20s या 30s में हेयरलाइन रिसीड हुआ है तो आपको भी होगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर जेनेटिक डिजीज़ है तो उसको हम कवर अप नहीं कर सकते, हम उसको डिले कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पेरेंट्स को 30s में हुआ है तो आप उसको 40s में डिले कर सकते हैं, आप अगर आप टाइमली रेमेडीज़ करें। सेकंड इज स्ट्रेस, जो कि आजकल की हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन मेडिटेट, यू कैन डू योगाज, यू कैन डू ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, आप गेम्स भी खेल सकते हैं। नंबर थर्ड इज हाई पोनीटेल्स, और आप जो टाइट हेयर टाइज वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम होता है। द नंबर फोर्थ इज बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे मेंस अपने लिए क्या करते हैं, बहुत सारे हेयर वैक्स ले लेते हैं, हेयर जेल ले लेते हैं, उस वजह से भी रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर फिफ्थ इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपको आप हर एक चीज़ करते हैं बट आपको लगता है आपका सब कुछ ठीक है, आपका लाइक जितने मैंने अभी तक रीजंस बताए सब ठीक है, अगर तो आप एक टेस्ट करवा लीजिए अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का। अगर आपको कोई विटामिन का डेफिशिएंसी निकलता है तो आप वो विटामिंस अपने लिए ले सकते हैं। सिक्स्थ इज स्लीपिंग, बैड स्लीपिंग रूटीन्स। यू नो हमें बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना मैंडेटरी है, बट वो 7 से 8 घंटे की नींद रिलैक्सिंग होनी चाहिए, एक डीप स्लीप होनी चाहिए जिसमें आप जब उठे तो आपको थका थका महसूस ना हो, आपको फ्रेश फील हो। मोस्टली क्या होता है, हम 12-12 घंटे सोते हैं एंड उसके बाद जब 12 घंटे बाद भी उठते हैं तो भी हमें टायर्ड फील होता है, दैट मीन्स यू डिडेंट स्लीप वेल। तो आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है। एंड द लास्ट वन इज आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है लाइक वो बहुत बेकार है, लाइक आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस वजह से भी आपको रिसीडिंग हेयरलाइन या हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आप इस में से जान गए होंगे कि आपका बेसिक रीज़न क्या है रिसीडिंग हेयरलाइन का, तो उस पर काम कीजिए। अभी जो लोग जेनेटिक को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस है कि यार हमारे तो जीन्स में हमें तो ये होगा ही होगा, देखिए अगर आप टाइमली अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जेनेटिक्स में जीन्स में क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपको जल्दी जल्दी रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम होता है, उसका ये रीज़न नहीं होता कि आपके जीन्स में है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्रॉपर रेमेडीज़ या कुछ भी करेंगे अपने लिए तो आपको वो थोड़ा सा डिले हो जाता है।
तो आपने इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस नहीं होना है कि हमारे जीन्स में है तो हमें तो कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल इसको करने से पहले, आपको पहले ही गिव अप नहीं करना है किसी भी रेमेडी पे। जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं तो आपको उस पर ट्रस्ट करके वो रेमेडी करनी है। सो अभी देख लेते हैं कि रेमेडी कैसे प्रिपेयर करनी है, किससे बनानी है। तो ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अनियंस का। आपके पास जिस भी तरह का अनियन है, आप कोई भी अनियन ले सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट जो वो वाइट वाला अनियन होता है ना सैलेड में जो हम यूज़ करते हैं, वो वाला अनियन आपने नहीं लेना है। अगर आपके पास रेड अनियन है तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ जो भी अनियन आप घर पर यूज़ करते हैं वो अनियन आप ले लीजिए। आपको उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, आप मिक्सर में भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, जिस भी तरह आप कंफर्टेबल है। आपको बस उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है एंड जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसमें ऐड करना है 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यहाँ पर मैंडेटरी है क्योंकि कैस्टर ऑयल और अनियन जूस का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता न्यू हेयर रीग्रोथ के लिए। अनियन जो है उसका जो सल्फर कंटेंट है वो हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमें न्यू हेयर रीग्रोथ दिखाई देती है। इसके बाद आपने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। आप उलझे बालों में इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब भी हम अनियन जूस का यूज़ अपने बालों पे करते हैं तो हमें हल्का सा फ्रिजीनेस अपने बालों में दिखाई देता है। तो आपने अपने बालों को अच्छे से सुलझा के, जहाँ भी आपका जो भी बैल्ट पैच है आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिसीडिंग हेयरलाइन है तो आप सिर्फ रिसीडिंग हेयरलाइन में इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से आपको थोड़ी हेयर थिनिंग हुई है तो वहाँ वहाँ आप इसको लगा लीजिए। एंड आपने इसको 5 से 6 घंटे अगर आप रख सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1 से 2 घंटा रख के इसको किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो रेमेडी भी जान ली, रिसीडिंग हेयरलाइन के प्रॉब्लम किस वजह से है वो रीजंस भी जान लिए। अभी मैं आपको जो लोग लाइक ये रेमेडी अपने लिए नहीं कर सकते उनके लिए एक सेकेंड ऑप्शन दूंगी, दैट इज़ डर्मा रोलर। आप अपने लिए डर्मा रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अनियन जूस की स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये बेसिकली बॉयज़ के लिए है क्योंकि बॉयज़ इतना टाइम इन्वेस्ट मोस्टली नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप मार्केट से कोई अनियन हेयर ऑयल लेकर आओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि हम अनियन को आधे घंटे से ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते, चाहे कितने भी प्रिजर्वेटिव्स हम उसमें डाल लें। जो इफ़ेक्ट आपको एक फ्रेश अनियन जूस देगा वो कोई और चीज़ बिल्कुल नहीं देगा। तो मैं इस रेमेडी को एग्जैक्टली ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी इसमें आपको चेंज नहीं करना है, कोई भी इंग्रेडिएंट आप मिक्स एंड मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे कि कैस्टर ऑयल की जगह हम कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, जी नहीं, जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा आपने करना है। सेकेंडली अगर इस रेमेडी को आप वीक में 3 बार या 4 बार कर सकते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एंड ट्रस्ट में 15 दिन में आपको न्यू हेयर उगते हुए दिखाई दे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लस जो डर्मा रोलर वाला मैंने आपको बताया कि कैसे यूज़ करना है, अगर आपको नहीं आता तो मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि डर्मा रोलर का यूज़ कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव योर सेल्फ, कीप शाइनिंग, बाय बाय।